उत्तर प्रदेश के अलावा बरेली में 123 बिथरी विधानसभा से प्रीति कश्यप ने भरी भूमिका है। आपको बताते चलें कि ग्राम आकाश 123 विधानसभा राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी की प्रीति कश्यप ने जनसंपर्क किया और प्रीति कश्यप ने अपनी बिथरी में छा गई। प्रीति कश्यप को भरपूर समर्थन मिल रहा है, चलते कल प्रीति कश्यप दो पार्टियों को समर्थन दिया। संत युवराज सहयोग पार्टी और बीजेपी पार्टी से जुड़े मनोज थैया सहयोग पार्टी ने आप पार्टी अध्यक्ष हैं कुमारी प्रीति कश्यप ने राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी को समर्थन देकर उन्होंने बिथरी की लोगों की समस्याएं सुनी, विकास की बात भी कही। आपका नाम? मेरा नाम प्रीति कश्यप है, राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी की बिथरी चैनपुर से विधायक की उम्मीदवार हूँ और आज मैं इस गांव में सारीपुर गांव में आई हुई हूँ। यहाँ की हालातें देखी है, स्थितियाँ देखी है, रोड इतना खराब है कि निकलने की कोई भी व्यवस्था नहीं है और यहाँ पर इतनी मेरी माता और बहनें खड़ी हैं, इनको किसी को भी आवास नहीं मिला है और देखो झोपड़ियों में पन्नी तान तान के रह रही हैं, आप खुद देख सकते हो ये नज़ारा। और इन लोगों के बीच में आकर के मैं इनको इस चीज़ का विश्वास दिलाती हूँ, अगर मैं इस गांव से जीत के निकलती हूँ और पब्लिक मेरे को विधायक बनाने का मौका देती है तो ये एक भी झोपड़ी में यहाँ रहने नहीं दूंगी, पक्की आवास बना के दूंगी। इसके अलावा पक्के आवास तो प्रधानमंत्री जी की आवास है, यह आवास योजना, ये आप अपना विधायक निधि से बनवा के देंगी या कैसे? नहीं, मैं अपनी विधायक निधि से बनवा के दूंगी। अच्छा। जब प्रधानमंत्री आवास योजना से अभी तक इनके मकान नहीं बने फिर क्या बन जाएंगे? बहुत बढ़िया, तो मतलब आप विधायक निधि से करवाना चाहते हैं, मतलब आप जनता से अपील कर रही हैं कि... जनता से अपील कर रही हूँ, जनता को जागरूक कर रही हूँ, वोट आप उसे दो जो आपका विकास करे, जो आपके बीच में आए, जो आपको इस चीज के आपके हालात समझ सके और आपको देख सके कि आप किन हालातों में रह रहे हैं, ना कि वोट उसको दो जो आपके क्षेत्र में कभी देखने को ही नहीं आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, कैसे रह रहे हो। अब बीजेपी तो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, उस पे क्या कहना चाहिए? तो ये तो आप देखो ना, बीजेपी कह रही है सबका साथ सबका विकास, कैमरा घुमाइए इधर, इधर देखिए कितनी सारी पन्नियां हैं, अंदर घर में घुस के जा करके देखो लोग किस प्रकार, जैसे मतलब ऊपर से बारिश होती है वैसे लोगों को घर में से बाल्टियां लेकर के पानी बाहर डालना पड़ता है। रोड आपने देखे थे, अभी मैं आई थी, मेरे साथ चलिए अगर, रोड देखना यहाँ के कितने अच्छे, मतलब सबका साथ सबका विकास ने कितना अच्छा काम करवा रखा है। आप यहाँ पे कौन है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम लक्ष्मी। लक्ष्मी देवी, लक्ष्मी देवी जी आप इसी घर में रहते हैं? हाँ, इसी घर में रहते हैं। कब से? जब से बारात भाई है, जब से इसी घर, मतलब 2 साल 3 साल 4 साल? मैं तो कम से कम 17-18 साल है। 17-18 साल से आप ऐसे ही रह रहे हो? ऐसे रह रहे हैं। आपने अभी 17-18 साल में लगभग 3 बार चुनाव हो चुके हैं, प्रधानी के भी लगभग 3 बार चुनाव हो चुके हैं, 3 या 4 बार। आपने किसी से कोई आपने दरखास्त नहीं लगाई?